नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा नामक इस एजुकेशनल चैनल में। इसमें आज हम कुछ बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा सर उपस्थित हैं। नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। और सर, तो आज हम बहुत ही बेसिक प्रश्न संप्रभुता पर चर्चा करेंगे। संप्रभुता किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही से शुरू करते हैं। तो संप्रभुता किसे कहते हैं, इस पे बताइए। कुलदीप, नमस्कार आपको और इस वार्तालाप को देखने वाले सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। कुलदीप हमारे विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, राजनीति शास्त्र में भी इनकी गहरी रुचि है और पूर्व निर्धारित कुछ बातें थी जिसमें इन्होंने पूछा कि संप्रभुता क्या है, व्हाट इज सॉवरेंटी। जब भी बीए पार्ट वन में बच्चे एडमिशन लेते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, तो दूसरे तीसरे चैप्टर में ही इसको पढ़ लेते हैं। परंतु मैंने यह पाया है कि जब वही बच्चे आगे पढ़ते हुए आते हैं बीए थर्ड ईयर में और एमए में, तो जैसी समझ उनको संप्रभुता की होनी चाहिए वैसी समझ का उनमें कुछ मैं अभाव या कमी देखता हूँ। इसी वजह से मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि जो राजनीति शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं उनको लेकर के हम लोग एक श्रृंखला शुरू करें और उसमें हम लोग आज संप्रभुता की बातचीत करने जा रहे हैं। तो कुलदीप, शाब्दिक विन्यास की दृष्टि से देखिए, और विन्यास बच्चों को कठिन लगता है तो हम कहें कि शाब्दिक बनावट की दृष्टि से देखिए तो यह लैटिन शब्द सुपर एनस से मिल करके बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। और संप्रभुता क्या है, जब हम ये बात करते हैं सॉवरेंटी क्या है, तो इसे हम राज्य के जो अनिवार्य घटक हैं, और हम सभी जानते हैं कि राज्य के अनिवार्य घटक में क्या क्या आते हैं, राज्य के अनिवार्य तत्व में क्या क्या आते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चार ऐसे तत्व हैं जिनको हम राज्य के आवश्यक तत्व मानते हैं। लेकिन इन्हीं चार तत्वों के संदर्भ में विचार करिए तो जनसंख्या कम या अधिक हो सकती है, भूभाग कम या अधिक हो सकती है, सरकार मजबूत या कमजोर हो सकती है। लेकिन इस तरह की बात संप्रभुता पर लागू नहीं होती है कि ये कमजोर संप्रभुता है, यह ताकतवर संप्रभुता है, ये छोटी वाली संप्रभुता है, ये बड़ी संप्रभुता है। ऐसी बातें संप्रभुता को लेकर के नहीं कही जाती हैं। इसका कारण यह है कि संप्रभुता एक अवधारणात्मक शब्दावली है और यह राज्य का प्राण तत्व है। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी शरीर को आत्मा की जरूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार से राज्य को जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए संप्रभुता की जरूरत पड़ती है। संप्रभुता विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। एक बार संभव है कि बहुत कम नागरिक हों, लेकिन ऐसा कहा जाए कि संप्रभुता की मात्रा बहुत कम है, यह संभव नहीं है। एक उदाहरण ले लीजिए तो जो 562 देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया था उसमें एक रियासत ऐसी थी जिसकी जनसंख्या मात्र 27 थी और उस समय उसका कुल वार्षिक आय 200 रुपए से भी कम था। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। हम बहुत छोटे या बहुत बड़े राज्यों को देखते हैं, यूएसएसआर, अमेरिका, ये आकार में बहुत बड़े हैं। दूसरी ओर हम देख ले, श्रीलंका बहुत छोटा है, नेपाल बहुत छोटा है, लेकिन संप्रभुता के लिहाज से बातचीत करेंगे
तो अमेरिकी संप्रभुता में, श्रीलंका की संप्रभुता में, या फिर नेपाल की संप्रभुता में कोई फर्क नहीं होगा। अब ये जो संप्रभुता है उसकी कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं, उन विशेषताओं की हम चर्चा कर लें तब आप संप्रभुता को आसानी से समझ सकते हैं। तो संप्रभुता राज्य की वह शक्ति होती है जिसको हम निरंकुश शक्ति कहते हैं, एब्सलूटनेस इसमें होती है, ये एब्सलूट पावर है। ऐसा इसलिए कि इस शक्ति के ऊपर कोई और शक्ति नहीं होती है, या इसको यूं समझ लीजिए कि जिस तत्व की वजह से कोई राज्य दूसरी शक्ति के अधीन नहीं होता है हम उसे संप्रभुता कहते हैं। ये एक विशेषता हुई। इस संप्रभुता के कारण ही, जो उसका एब्सोल्यूटनेस है, इसके कारण ही कोई भी राज्य किसी भी शर्त को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नहीं तो जो निरंकुशता है ना, संप्रभुता का एक तत्व, वह बाधित हो जाएगी। तो ये राज्य की, राज्य भी एक अवधारणा है, उसी तरीके से संप्रभुता भी एक अवधारणा है। एक विशेषता मैंने बताई कि यह क्या है, तो इसमें कहा कि यह एब्सोल्यूटनेस है, निरंकुश है। इसी तरह दूसरी इसकी विशेषता होती है कि यह इनडिविजिबल होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता के विभाजित होने का मतलब होता है दो राज्यों का प्रकट हो जाना। जैसे भारत आप 1947 के पहले देख लीजिए और उसको ऐसे देखिए कि ब्रिटिश पैरामोंटेसी जो है खत्म हो गई है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान लीजिए बनता, और उसके बाद भारत पाकिस्तान एक ही है मान लीजिए, तो वहां की संप्रभुता एक ही है। लेकिन जैसे ही संप्रभुता का विभाजन होता है, दो राष्ट्रों का अस्तित्व सामने आ जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश का जो अलग होना है वह संप्रभुता का विभाजन भी है। पहले दोनों की संप्रभुता एक थी तो वो एक राज्य थे, फिर संप्रभुता विभाजित हो गई, वो दो राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। इसीलिए संप्रभुता इंडिविजिबल है, वो अविभाजित है। तीसरी विशेषता होती है कि संप्रभुता स्थायी होती है, इसमें परमानेंस है। ये परमानेंट इसलिए है कि जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता भी रहेगी, या ठीक इसके उलट के कह लीजिए कि जब तक संप्रभुता होगी तब तक राज्य होगा। एक विशेषता इसकी ये है। एक अन्य विशेषता के रूप में संप्रभुता की विशेषता हम कहते हैं, तो कहते हैं वो कंप्रिहेंसिव है, या ऑल परवेसिव है, या कई किताबों में इसी के लिए लिखा रहता है कि यह यूनिवर्सल है। इसका मतलब यह होता है कि राज्य की आदेश देने की जो शक्ति है वह उस भूभाग पर जिसे राज्य कहा जा रहा है उस पर जितने भी लोग रहते हैं उन पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संप्रभुता का प्रभाव किसी जाति और किसी समूह पर कम होगा और वह कम आदेशों का पालन करेगी, और दूसरे समूह ऐसे होंगे जो अधिक आदेशों का पालन करेंगे उन पर संप्रभुता का प्रभाव अधिक होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए कंप्रिहेंसिव है, ये ऑल परवेसिव है, यूनिवर्सल है। इसी तरीके से संप्रभुता नॉन ट्रांसफरेबल होती है, अहस्तांतरणीय होती है, इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जिसके पास भी संप्रभुता है, आगे चल करके हम बात करेंगे कि रहती कहाँ है संप्रभुता, तो जिसके पास भी संप्रभुता है वह अपनी संप्रभुता को किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि ये मटेरियल जैसी कोई चीज नहीं है ना, भौतिक वस्तु नहीं है कि उठाए और दे दिए। मैंने शुरू में ही कहा कि आत्म, जिस तरह हमारे लिए आत्म तत्व है उसी तरह राज्य के लिए संप्रभुता आत्म, इसीलिए इसको किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
और इसीलिए जो इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इसी को कुछ किताबों में एक अलग हेडिंग बना करके लिखते हैं और कहते हैं कि यह अधेय है, इन एलिनिएबल है, ये किसी को दी नहीं जा सकती है। ये संप्रभुता की विशेषता ऐसी होती है, संप्रभुता के बारे में ऐसा कहते हैं। मतलब संक्षेप में फिर से कहें तो कह सकते हैं कि यह राज्य का एक आवश्यक तत्व है। आपने अभी संप्रभुता को एक्सप्लेन करते हुए एक शब्द का यूज किया कि संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, और यदि संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है तो फिर आधुनिक काल में ही आकर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? निश्चित ही जब भी कोई विद्यार्थी ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को पढ़ रहा होता है या इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन में जो पॉलिटिकल थॉट है उसको पढ़ रहा होता है, तो वहां संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। संप्रभुता की अवधारणा को हम आधुनिक राजनीति शास्त्र के आगमन के साथ देखते हैं, या कहिए मध्य युग के अवसान के साथ देखते हैं। इसीलिए यह समझ लेना जरूरी जरूर है कि जब संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, तब इसकी चर्चा आधुनिक युग में ही आकर के क्यों होती है। और इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक तो यह कि जब नेशन स्टेट नहीं थे, राष्ट्र राज्य का विकास नहीं हुआ था, तब दुनिया में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, खास करके जिनके पास कंट्रोलिंग पावर होती थी, अथॉरिटी होती थी, वो किसी राजा के पास होती थी। बहुत बड़ा यदि साम्राज्य है, एम्पायर है, तो एम्परर के पास होती थी। लेकिन उस जमाने में वो जो पूरा एज है उसमें शक्ति को इस तरीके से प्रतिष्ठा मिली हुई थी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी समूह, कोई भी जाति स्वतंत्र थी, और जिसकी शक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाए, जिसकी शक्ति में अधिक अधिक इजाफा हो जाए, वह जाकर के आक्रमण करके दूसरे राजा पर कब्जा जमा ले। ठीक है जी। तो उस जमाने में क्या था कि किसी राजा के आदेश का पालन कोई समूह कितना करेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि उस समूह के पास प्रतिरोध की कितनी शक्ति है। मिसाल के तौर पर भारत का सम्राट कहें एक समय तो औरंगजेब है, लेकिन औरंगजेब के विरुद्ध प्रतिरोध करते हुए शिवाजी दिखाई पड़ते हैं ना। तो यदि मान लिया जाता वहां पर कि औरंगजेब के पास सावरेन पावर है, सावरेंटी है, तब तो ये अधिकार ही नहीं मिलता शिवाजी। या यही बात हम लोग अकबर के बारे में कह सकते हैं कि संप्रभुता की अवधारणा उन दिनों इस तरह प्रचलित होती तो फिर महाराणा प्रताप के पास ऐसा अधिकार नहीं होता। इसीलिए पुराने समय के राज्यों की प्रकृति और आधुनिक समय के राज्यों की प्रकृति में हमको अंतर करना पड़ेगा, और जब हम यह अंतर करते हैं तब जाकर के हम संप्रभुता को ठीक से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जो राजा होते थे, जो इंपरर्स होते थे, उनके पास आदेश देने की शक्ति नहीं थी, या उनके पास कोई ऐसी शक्ति न हो जो बहुत ही बाध्यकारी तरीके से लागू की जा सकती हो, उनके निर्णयों को लागू कराया जा सकता हो, यह था उनके पास। लेकिन यह जो ताकत होती थी, यह ताकत उनकी खुद की ताकत होती थी, जो उनको अपने सेना से, जो उनको अपने कोवर्सिव पावर से, जो उनको अपने समर्थकों से मिला करता था।
पर ये जरूरी नहीं होता था उस समय कि किसी एक राजा के शासन के अधीन जितने भी समूह हैं वो स्वेच्छा से उनके अधीन रह रहे हो। और पूरे दुनिया का जो इतिहास है उसमें यही आप देखेंगे कि बहुत से क्षेत्रीय विद्रोह होते रहते थे, चाहे वो मनु कौटिल्य के समय का राज्य हो जहां दासों का विद्रोह हुआ करता था, जिसमें पैटकस नाम के एक दास का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर मनु कौटिल्य के ट्रेडिशन में देख लीजिए तो यहां भी बहुत सारे ऐसे राजा मिलते हैं जहां जिनके शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ करता था। और ऐसे ही कुछ राजाओं में जो पृथु के पहले कुछ राजा आते रहे, मनुस्मृति में जिक्र मिलता है, जहां पर जनता ने विद्रोह करके उनको मार डाला। तो वहां पर क्या दिखाई पड़ता है कि राज्य की जो शक्ति है वह राजा की शक्ति से मिली जुली है, दोनों में अंतर नहीं किया जा रहा है। पर जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो यह एक ऐसी शक्ति होती है जो सरकार की शक्ति नहीं है, वह राज्य की ही शक्ति है। अब आपका जो सवाल था उसके थोड़ा और नजदीक हम पहुंच रहे हैं कि फिर यह जरूरत क्या था कि ये ऐसी परिस्थितियां क्या उत्पन्न हुई कि इसकी चर्चा आधुनिक काल में होने लग गई। इसके दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि मध्य काल में आकर के चर्च और राज्य के बीच में एक संघर्ष शुरू हुआ कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। एक समय था जब माना गया कि सर्वोच्च शक्ति चर्च के पास है, फिर विचार आया कि नहीं राज्य के पास है, और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हुई। तो यह सुनिश्चित नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, और इसीलिए जब ऐसे मसले 15वीं 16वीं शताब्दी में सामने आए, जहां पर आकर के देखिए कि जो चर्च है उस पर राज्य का आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए, इन सबों की बात सामने आने लगी। जो सामंतवादी शासन व्यवस्थाएं थी उनका पराभव होने लग गया, तो फिर से ये बात केंद्र में आ गई कि अब किसके पास ऐसी शक्ति है जो सभी समुदायों को, सभी समूहों को, सभी संस्कृतियों को एक निश्चित भूभाग के अंदर निर्देशित कर सकता हो, कंट्रोल कर सकता हो, संचालित कर सकता हो। और इस संदर्भ में फिर मैकियावेली के लेखन से और थोड़ा सा उसके पहले से मार्सिलियो पाडुआ के लेखन से ये बातें उभर करके सामने आने लगी कि ऐसी जो शक्ति है वह राज्य के पास है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक तो पुरानी शासन व्यवस्थाओं में राज्य और सरकार के बीच का ऐसा कोई बहुत स्पष्ट अंतर नहीं था, राजा के हित और राज्य के हित एक ही हुआ करते थे, वहां संप्रभुता की धारणा इस तरीके से सामने नहीं आई, यद्यपि वहां भी शक्ति थी। आगे चल करके हम देखते हैं कि राज्य की शक्ति, राज्य के आधिपत्य के विरोध में चर्च खड़ा हो गया, शक्ति विभाजित है, ये बातचीत होने लगी। और जो सामंतशाही व्यवस्था थी उसमें एक राजा के अधीन बहुत सारे सामंत होते थे जिनको अपनी अपनी शक्ति प्राप्त थी, सेनाएं भी अपने रखते थे। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे राज्य की कल्पना नहीं हुई की गई थी जो राज्य आज के नेशन स्टेट जैसा हो। तो ये जो रूपांतरण हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उसमें राज्य को एक ऐसी प्रतीकात्मक शक्ति देने की जरूरत थी, और उस प्रतीकात्मक शक्ति को संप्रभुता के नाम से परिभाषित करने की, बताने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल से आपके सवाल का उत्तर यहाँ मिल जाता है। इसके साथ ही जैसे ये आधुनिक काल में ही क्यों चर्चा हुई इसकी तो आपने बता दिया, इसके अलावा ये है कि संप्रभुता की जो धारणा है वो आधुनिक काल में जो विकसित हो रही है वो
और इसके दो दो धारणाएं अलग अलग, जो संप्रभुता की एक एकलवादी धारणा कहा जाता है और एक दूसरा है जो बहुलवादी धारणा कहा जाता है, ये क्या है, इनके बारे में कुछ। हाँ, इसके पहले हम ये चर्चा कर लेना आप चाहेंगे, आपके प्रश्न में ही वो शामिल है कि संप्रभुता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। जी तो देखिए, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में, मॉडर्न सेंस में जिस तरीके से स्टेट को हम लोग लेते हैं, उस अर्थ में मैकियावेली ने इसका प्रयोग किया। लेकिन मैकियावेली ने सॉवरेंटी की अवधारणा का, संप्रभुता की अवधारणा का जिक्र नहीं किया था। वह राज्य में जो संप्रभुता जैसी शक्ति वह समझ रहा था, इसके लिए उसने सुप्रीम पावर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को और दूसरे प्रतियोगी विद्यार्थियों को यह अवश्य समझना चाहिए कि संप्रभुता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जीन बोंदिन को दिया जाता है। हिंदी में बहुत लोग इसको जीन बोंदा भी कहते हैं। सॉवरेंटी शब्द का इस्तेमाल इसी इस व्यक्ति ने किया। लेकिन जब इसने संप्रभुता की अवधारणा प्रतिपादित की, तब उसके चिंतन पर मध्य युग का प्रभाव था। इसीलिए उसने संप्रभुता के ऊपर तीन प्रकार के बंधनों को स्वीकार कर लिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स था। ऐसा इसलिए कि संप्रभुता के ऊपर जब आप कोई बंधन स्वीकार कर लेंगे, तब तो वास्तव में वो संप्रभुता रह ही नहीं जाएगी। तो वो क्या-क्या बंधन थे? तो एक कहता है कि जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ का प्रतिबंध होता है संप्रभुता के ऊपर। अब ये नेचुरल लॉ बहुत परिभाषित शब्दावली और अवधारणा पहले नहीं थी, धीरे धीरे इसको विकसित किया गया, इसमें सिसरो का बहुत योगदान है। पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सद्विवेक है, शुद्ध बुद्धि का आदेश है, या जो हम प्रकृति को कार्य करते हुए देखते हैं उसके जो नियम है, उन दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल लॉ है। अब थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से मैं कहूं तो कह सकता हूं कि क्या राजा खुद यह चाहे, या जो कहीं का सम्राट है, जो जो मान लिए इंडिविजुअल में कहीं मान लेते हैं, या कोई सरकार चाहे कि उसके सभी नागरिक जब छींक रहे हों तो उनकी आंख खुली रहे, ऐसा वो सोच सकता है क्या, या ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं, जब लोग छींकेंगे तो आंख बंद हो जाती है, इसका वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। मैं एक एनालॉजी के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो बात बोंदिन कह रहे थे वैसा नहीं है कि अतार्किक है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक नियम है उनका कोई भी संप्रभु शक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है। हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी, कोई भी कानून बना करके कोई भी सॉवरेन पावर इसको रोक नहीं सकता है। तो ये कहा कि प्राकृतिक विधियों का भी, प्राकृतिक विधियों का एक नियंत्रण होता है, बंधन होता है सॉवरेंटी के ऊपर। दूसरा उसने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का, अंतरराष्ट्रीय विधि का भी संप्रभु के ऊपर नियंत्रण होता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझ लेने की है कि उस वक्त इंटरनेशनल लॉ उस सेंस में एस्टेब्लिश नहीं हुए थे बोंदिन के समय में जैसा कि यह 1648 के बाद, वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद एस्टेब्लिश हुए। फिर भी जो उस वक्त के एम्पायर थे, राजा थे, उनमें चाहे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से हो, चाहे संधियों के माध्यम से हो, तो जो एक सहमति होती थी, उस सहमति का खुलेआम उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये प्रतिबंध है, इस बात को रेखांकित किया गांधी ने। ये दूसरा प्रतिबंध था। और तीसरा जो प्रतिबंध लगाया
वह मध्य युग का ही प्रतिबंध है, लेकिन आगे चल करके वह लॉक में बहुत अच्छी तरीके से, जॉन लॉक में आया। वह कहा कि संपत्ति के अधिकारों का भी प्रतिबंध होता है संप्रभु के ऊपर। ये बात आज सुनने में हमको बड़ी अचरज भरी लग सकती है, लेकिन इसको आप ऐसे सोचें कि हमारे पुराने समाज में मध्य युग तक जो जमीन थी वही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, लैंडेड प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी वही होता था, और उस पर लोगों का मालिकाना हक नहीं होता था। उस पर हक होता था किसी व्यक्ति का, नहीं होता था परिवार का, गोत्र का, जाति का, गांव का, वंश का, ऐसा। और यह परिपाटी भारत में ही हो ऐसा नहीं है, जितने भी एंशियंट सोसाइटीज हैं सब में ऐसा था। तो वहां जो कोई भी शासक होता, जो कोई भी राज्य जैसी किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला था, उसको कम से कम इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो भू संबंधों को बदल दे या उनके बारे में कोई ऐसा कानून बना दे जिसकी वजह से वो रातों रात बदल दिए जाए, ये नहीं था ऐसा। इसलिए बोंदिन उस समय की जो प्रैक्टिकलिटी थी, व्यवहारिकता थी, उसको देखते हुए ऐसा कहा कि संप्रभुता पर ये तीन प्रतिबंध हैं। लेकिन संप्रभुता की अवधारणा को और बेहतर तरीके से प्रतिपादित करने में, या कहिए कि उसको पूर्ण नहीं करने में तो कम से कम 80% तक सही कर देने में योगदान जो है वह हॉब्स का है। हॉब्स ने कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन पावर, कानून संप्रभु शक्ति का आदेश है। ये बात बोंदा में संभव नहीं था। बोंदा में ऐसा संभव क्यों नहीं था? क्योंकि जब उसने कह दिया कि संपत्ति के अधिकारों का प्रतिबंध है, इसका मतलब संपत्ति के अधिकार को लेकर के कोई कानून, कोई मान्यता पहले से ही है। प्राकृतिक कानून की बात कर लिया, अंतरराष्ट्रीय विधि की बात कर लिया, तो हर तरह की विधियां, इसका मतलब वो सॉवरेन पावर जो है वो नहीं बना सकता है। हॉब्स ने इससे बहुत आगे जाने की कोशिश की और हॉब्स ने यह प्रतिपादित किया कि संप्रभुता के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन हॉब्स में आकर के भी संप्रभुता की अवधारणा पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो सारे बीज उनमें हैं, लेकिन उनको और व्याख्यायित आगे चल करके किया जॉन ऑस्टिन ने। और जॉन ऑस्टिन ने बताया कि जो संप्रभुता है वह एक राजनीतिक समाज में रह सकती है और एक स्वतंत्र समाज में रह सकती है। मतलब संप्रभुता होगी कहां, वो राज्य कहां होगा, वह स्वतंत्र होगा, बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र होगा। और वह कैसी सोसाइटी होगी? एक पॉलिटिकल सोसाइटी होगी, ठीक है। और यह जो संप्रभु शक्ति है वह विधिक रूप से किसी के भी अधीन नहीं है, और इस नाते यह कहा गया कि संप्रभुता की अवधारणा की जो यात्रा शुरू हुई थी जीन बोंदा से, वह आकर के जॉन ऑस्टिन में पूरी हुई। पर आपने यह कहा था कि सवाल यह किया था कि जो संप्रभुता का एकलवादी अवधारणा है, मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी क्या है, तो मैंने यहां हॉब्स का नाम लिया, मैंने यहां एक और नाम लिया जॉन ऑस्टिन का। तो इन लोगों ने जिस तरीके से संप्रभुता को परिभाषित किया उसे हम कहते हैं मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। यह जो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी होती है वह विधिक सिद्धांत, मतलब संप्रभुता के विधिक पक्ष को रेखांकित करती है। उदाहरण से बात को सम उदाहरण से बात इस बात को हम उदाहरण से समझने की कोशिश करें
जिस शक्ति के पास असीमित रूप से कानून बनाने की शक्ति होती है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई दूसरा प्रतिबंध नहीं होता है, वह संप्रभु है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क यहां आ गया ना, लीगलिटी आ गई, और कैसा हुआ, वह बिल्कुल सुनिश्चित है। हुआ ऐसा कि जो जॉन ऑस्टिन है वह लीगल और एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं। तो जब हम कहते हैं कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, तो इसमें हम हॉब्स और उससे बढ़कर के जॉन ऑस्टिन का नाम लेते हैं। और जॉन ऑस्टिन एक ऐसी संप्रभुता की कल्पना करते हैं जो विधिक संप्रभुता है, जो सुनिश्चित है, जो एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज में होती है, और समाज के अन्य जो भी संगठन हैं, जाति हैं, वर्ग हैं, संस्कृति हैं, धार्मिक संगठन हैं, सब इनके विधियों को समान रूप से मानने के लिए बाध्य हैं। किसी के पास ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि हम आपके द्वारा दी गई विधि के आधे भाग को मानेंगे और आधे भाग को नहीं मानेंगे। तो ये जो स्कूल है उसी को हम लोग कहते हैं मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी या संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। ठीक इसके विपरीत या इसकी आलोचना में जिन लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि दुनिया में कभी भी कोई ऐसा राज्य नहीं आया है जो इस तरीके से संप्रभु हो, इस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हो, प्रयोग करता हो, कि उसके समक्ष दूसरों की कोई आवाज न हो, ऐसा समाज में कभी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको हम लोग कहते हैं बहुलवादी विचारक। और इन बहुलवादी विचारकों में मेटलैंड, गियर के, मिस फॉलेट और लास्की इत्यादि का नाम आता है। और इन सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना किया है। जैसे हम शुरुआत करें मिस फॉलेट से, तो मिस फॉलेट कहती हैं कि शक्ति सेवा का माध्यम है, और राज्य जब हमारी असीमित सेवा नहीं करता है तो वह असीमित शक्ति का दावा भी नहीं कर सकता है। वो कहती हैं कि किसी भी समाज में स्कूल है वो भी हमारी सेवा करता है। सेवा करने का मतलब यहाँ है वो हम लोगों को शिक्षा देता है, अस्पताल है, धार्मिक संगठन है, ये सब हमारी कुछ न कुछ सेवा करते हैं। इसीलिए जिस मात्रा में सेवा करते हैं उस मात्रा में उनके पास शक्ति है, इसलिए शक्ति बटी हुई होती है। यह शक्ति का एक सामाजिक प्रारूप था, और चूंकि राज्य असीमित रूप से हमारी सेवा नहीं करता है इसलिए उसके पास कोई असीमित शक्ति भी नहीं है। हां, उन्होंने इतना जरूर कहा कि ठीक है, इन सभी जो अलग अलग परिक्षेत्र में कुछ शक्ति का प्रयोग करने वाली संस्थाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, समायोजन की जरूरत होती है, वो राज्य करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि राज्य समुदायों का समुदाय है, मानते हैं, लेकिन असीमित शक्ति का दावा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी तरह लास्की ने जब इसकी आलोचना किया तो लास्की ने दिखाया कि जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम आ गए थे, संघवादी शासन व्यवस्थाएं आ गई थी, तो वहां पर शक्ति तो केंद्र के पास भी है, अलग अलग राज्यों के पास भी है। तो इस स्थिति में ऐसा कैसे कहा जाए कि जो राज्य की शक्ति होती है वह विभाजित नहीं होती है, या वह कहीं एक ही जगह पर केंद्रित होती है। इस दृष्टि से आलोचना किया, संघवादी शासन व्यवस्थाओं को आधार बनाकर के उन्होंने आलोचना किया, और वो भी एक प्रसिद्ध बहुलवादी विचारक हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका भी राज्य के ऊपर दबाव होता है,
लास्की ने इन संदर्भों की भी चर्चा की और बताया कि राज्य के पास उस तरह की संप्रभु शक्ति नहीं है जैसा कि एकलवादियों ने कहा है। वास्तव में राज्य के पास संप्रभुता के संदर्भ को लेकर के जिस तरीके से शक्ति दी गई थी उसका दुरुपयोग भी होने लगा था। उसका दुरुपयोग हम हिटलर को करते हुए देखते हैं, मुसोलिनी को करते हुए देखते हैं, स्टालिन को करते हुए देखते हैं, या दुनिया का कोई भी तानाशाह ऐसी कोशिश करता है। तब वो कोशिश क्या करता है कि वह राज्य और सरकार के भेद को कम कर देना चाहता है। और यह बात हॉब्स में भी थी। हॉब्स ने भी जब कहा ना कि राज्य की जो शक्ति है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसने भी राज्य में और सरकार में अंतर नहीं किया। तो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी वहां से उसकी डेवलप होती है। पर ये जो एक संदर्भ था, परिभाषा थी, विचार था, उसने तानाशाही व्यवस्थाओं को दुनिया में जन्म दिया और उसके खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं हुई उन प्रतिक्रियाओं में एक बहुत अकादमिक प्रतिक्रिया बहुलवाद है। आप कुलदीप आज के समय में भी देख सकते हैं कि कोई निर्णय तो लेती है सरकार, सरकार संप्रभु नहीं है, राज्य संप्रभु है। तो सरकार ने निर्णय लिया है इसका मतलब उसके निर्णय के गुण दोषों की जांच उसकी जनता कर सकती है, और यदि डेमोक्रेसी है तब तो यह करने का अधिकार है। लेकिन जब सरकारें यह कहना शुरू कर देती हैं कि आप राज्य की आलोचना कर रहे हैं, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोग सरकार के नीतियों की आलोचना कर रहे होते हैं और तब सरकार, जो भी सरकार ये कहती है कि नीतियों की आलोचना में राज्य की आलोचना है, आप यकीन मानिए उनमें टोटलिटेरियनिज्म के बीज होते हैं और इससे लोकतंत्र को बचना चाहिए, लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक लंबे उत्तर के बाद उस प्रश्न का समाधान तो हो जाता है। अब आप आगे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अंतिम प्रश्न के तौर पर एक चर्चा होती है रीज की धारणा की, तो मैं जानना चाहता हूँ ये संप्रभुता पर जो रीज की धारणा वो क्या है। टी रीज की अवधारणा जो संप्रभुता पर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और वास्तव में उसकी चर्चा किए बिना संप्रभुता की चर्चा अधूरी रह जाती है। लेकिन कुलदीप, मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इधर मैं उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में, झारखंड, बिहार, राजस्थान, इवन दिल्ली का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें रिज की चर्चा नहीं रहती है। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन इसीलिए आपने जो पूछ लिया तो ये अच्छा किया। अब संप्रभुता को हम किस एंगल से देखें, है ना, इसकी जब हमको चर्चा करनी होती है तब रिज आते हैं। और उन्होंने क्या किया कि संप्रभुता को हम छह एंगल से देख सकते, और वो छह एंगल लेते हैं और फिर छह एंगल की मतलब को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं और फिर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। उस पर चर्चा करने से पहले हमको ये जान लेना पड़ेगा कि संप्रभुता के कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि उनके एंगल में एक चीज ये भी आती है, या कहिए कि शुरुआत ही यहीं से होती है। तो एक बात तो पहले ही आ गई कि एक तो हम लोगों ने कहा एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता, ठीक है जी। वास्तव में एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता जो है वह शक्ति के विभाजन का मामला है, वह संप्रभुता को प्रश्नांकित नहीं करता है, वह शक्ति का विभाजन किस प्रकार से हुआ है इसकी चर्चा करता है। लेकिन संप्रभुता का स्वरूप क्या है इस पर जब बातचीत करते हैं
संप्रभुता का एक प्रकार हमारे सामने आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीगल सॉवरेनिटी, विधिक संप्रभुता। जो भी संस्था कानून बनाने की शक्ति रखती है और यह शक्ति उसको किसी ने दिया ना हो, क्योंकि जो देगी वही बड़ी शक्ति हो जाएगी ना, किसी ने दिया ना हो, तो इसे हम लोग लीगल सॉवरेनिटी और विधिक संप्रभुता कहते हैं। विधिक संप्रभुता सामान्यतः संसद में निहित मानी जाती है, क्योंकि संसद कानून बनाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम चला आता है, ये सारी चीजों की चर्चा रीज करते हैं कि मान लीजिए संसद ने कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, तो फिर सवाल आ जाएगा फिर संप्रभु कौन है। तो ये जो है ना वो ऑपरेशनल पार्ट है, सिस्टम का ऑपरेशनल पार्ट है, और इससे कोई संप्रभुता भंग नहीं होती है, कोई प्रभावित नहीं होती है। वास्तव में वह राज्य की इच्छा थी कि संसद कानून बनाए और उसमें यदि कोई विसंगति है तो उच्चतम न्यायालय उसको निरस्त कर दे। ये राज्य की इच्छा है और इस इच्छा के कारण संसद कानून बनाती है और जरूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा प्रायः संसदीय शासन व्यवस्थाओं में भी होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है। दोनों जगह ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहां हमने बात किया लीगल सॉवरेनिटी की, वो कहां मैंने बताया कि जिसको कानून बनाने की शक्ति है उसके पास ये है। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है राजनीतिक संप्रभुता की, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। उदाहरण से बात को समझिए तो कानून बनाने की जो संस्था है उस कानून बनाने की संस्था को कानून बनाने की शक्ति संविधान ने दिया है, लेकिन जो लोग कानून बनाने के लिए आए हैं उनको जनता ने चुना है। तो जो जनता है और खास करके जो यहां वोटर है वो राजनीतिक संप्रभु है, वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है। मतलब लीगल सॉवरेंटी के पीछे पॉलिटिकल सॉवरेंटी होती है, सपोर्ट उसका होता है। और एक तीसरी संप्रभुता की हम लोग बात करते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता। इसमें समस्त जनता होती है, इसमें 18 साल या 21 साल महिला पुरुष इसकी बाध्यता नहीं होती है, समस्त जनता। तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में होती है। यह जो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का जन्मदाता रूसो को माना जाता है। और पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करने वाले विचारक में जॉन लॉक को रखा जाता है, लीगल सॉवरेंटी की बात करने वाले में हॉब्स को रखा जाता है, और आगे चल करके जॉन ऑस्टिन भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रीज क्या करते हैं कि ये संप्रभुता के जो अलग अलग प्रकार हैं, अभी तक हमने तीन प्रकार बताया, अब एक और प्रकार की बात कर लें। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि संविधान के माध्यम से जिसको सारी शक्तियां दी गई हैं वह सिर्फ प्रतीक है और उन शक्तियों का इस्तेमाल कोई और करता है। तो यहां पर संप्रभुता का वर्गीकरण फिर से एक नए तरीके से आता है और उसको हम लोग कहते हैं एक टिटुलर सॉवरेंटी, ध्वज मात्र संप्रभुता। जैसे भारत का राष्ट्रपति वो टिटुलर सॉवरेंटी है ना जी। हालांकि ऐसी व्याख्या करना पूरी तरह न्याय संगत नहीं है, लेकिन ऐसा काम चलाऊ तरीके से कहा जाता है। और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये टिटुलर हेड है। ठीक है, यहां प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं होगी क्योंकि फिर हमें कहना पड़ता कि रियल सॉवरेंटी उनके पास है, पर ऐसा है नहीं। तो वो ध्वज मात्र संप्रभु होते हैं जो।
वास्तव में इस चीज का सबसे अच्छा संदर्भ वहां मिलता है जब हम संप्रभुता का वर्गीकरण करते हुए डिज्योर और डिफेक्टो सॉवरेंटी की बात करते हैं। डिज्योर और डिफेक्टो, ठीक है, मतलब विधिक संप्रभु और वास्तविक संप्रभु। और इसका अंतर तब समझ में आता है जहां पर विधिक रूप से कानून बनाने की शक्ति जिस समूह के पास है और कोई दूसरा वर्ग आकर के उसका तख्ता पलट दिया हो, जहां कू सैन्य विद्रोह हो जाता है, तो वहां क्या होता है? वहां होता है कि जिसके पास विधिक संप्रभुता का आधार था वह सत्ता से अलग हो जाती है और उसकी जगह एक वास्तविक संप्रभु आ जाता है, डिफेक्टो सॉवरेंटी आ जाती है। पर जहां जहां भी इस तरह के तख्ता पलट होते हैं वहां पर जो डिफेक्टो सॉवरेंटी होती है उसका ये नेचर होता है या उसका एक कंपल्सन होता है कि वह जल्दी से जल्दी अपने आप को डिज्योर सॉवरेंटी में बदल लेना चाहती है। मतलब एक तो दुनिया को दिखाना है कि नहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और यदि जो कुछ भी हुआ है तो जनता की इच्छा से हुआ है, ठीक है। इस दुनिया के लिए सबसे खतरनाक तब होता है आज के समय में जब सॉवरेंटी जो एक राज्य का गुण है, राज्य की आत्मा है, और कोई भी सरकार जब यह दावा करने लगे कि वही सॉवरेन है। वास्तव में हेनरी मेन की जो स्टडी है, दुनिया के बहुत सारे समाजों का अध्ययन किए, रंजीत सिंह जो हमारे यहाँ थे एक राजा, उनकी भी चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन लोगों में भी वैसी संप्रभुता का दर्शन नहीं होता है जैसी संप्रभुता की बात ऑस्टिन इत्यादि करते हैं। एक तो वो बात हो गई। एक दूसरा संदर्भ मैं देना चाहूंगा, हन्ना अरेंट ने लिखा है कि 1793 ईस्वी में जेम्स विल्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और 1793 ईस्वी में कह रहे हैं वो कि हम लोगों को, 1793 ईस्वी की बात है, वहां कह रहे हैं कि 1793 और उसके कुछ पहले से अमेरिकी लोगों को सॉवरेंटी जैसी किसी अवधारणा का पता नहीं था। ये बिल्कुल ही एक नई अवधारणा है, वहां का एक जज कह रहा है 1793 में कह रहा है। ऐसा वो क्यों कह रहा है कि पुराने समाजों की जो बुनावट होती थी उसमें को एग्जिस्टेंस की भावना बहुत होती थी। आप कह सकते हैं नहीं, लड़ते भी रहते थे, बिल्कुल लड़ते रहते थे, लेकिन जितने जीवित रह गए हैं वो को एग्जिस्टेंस के कारण रहे हैं, और वो सबसे मूलभूत है। तो इसकी वजह से कि हमारी ही शक्ति सर्वोपरि है, हम आपकी आदेशों का पालन नहीं करेंगे, ऐसे समाज नहीं चलते थे, ऐसे जीवन भी नहीं चलता है। इसीलिए बहुत सारे पहलू पर बहुलवाद भी सही है, लेकिन बहुत सारे पहलू पर एकलवाद भी सही होता है। मिसाल के तौर पर हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो गया हो और समाज का बहुत सारा ऐसा वर्ग हो, बहुत सारे ऐसे समुदाय हो जो कह रहे हो कि नहीं इसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, संभव है ना ऐसा? हाँ। तो उस समय में तो वैसे समूह की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है और सम्मिलित रूप से उसका जवाब राज्य को देना पड़ता है। तो वहां पर विभाजित शक्ति के रूप में राज्य उठ नहीं खड़ी हो सकती है, वहां शक्ति को एक ऐसे संदर्भ में देखना होता है कि जो निर्णय राज्य के द्वारा आया वही सही है। लेकिन यदि शांतिपूर्ण स्थितियां हैं, उस वक्त यदि हमेशा सरकार ये भय बनाते रहे, भय दिखाते रहे कि मैं ही राज्य हूं, तो
व्यक्ति कहेगा किसी न किसी दिन हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। आप उसको उस दिन कहोगे देशद्रोही है, अकेला होगा, आप इसको डरा सकते हो, धमका सकते हो, लेकिन ये प्रवृत्ति किसी भी सरकार के अस्थायित्व के लिए भी सही नहीं है और किसी भी राज्य के अस्थायित्व के लिए भी सही नहीं है। इसलिए एकलवाद और बहुलवाद के बीच में तनावपूर्ण संबंध नहीं होने चाहिए, और वास्तव में इनको तनावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। ये इतने जो संदर्भ हुए उनकी चर्चा रिज करते हैं, और साथ में जो एक आइडियलिस्टिक कंसर्न है, आदर्शवादी संबंध है संप्रभुता के साथ, वो उसकी भी चर्चा करते हैं। वो आदर्शवादी क्यों है? क्योंकि वो एक विचार है। संप्रभुता को कहीं आप देख नहीं सकते हैं, संप्रभुता को आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि राज्य के पास असीमित शक्ति है। बस उस असीमित शक्ति का प्रयोग लोकतंत्रों में राज्य को जनता के कल्याण के लिए करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।